नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी व तीसरे नंबर पे विधायकों की हैसियत से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड रही। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ी थी और सिर्फ नीतीश कुमार ही बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। विपक्ष ने बड़ा हमला बोला, नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। साथ ही कई बड़ी बातें भी विपक्ष के नेता कहते रहे। विपक्ष के नेता ने भी कहा कि जिस तरीके से विधायकों की हैसियत से तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी रही है, मुख्यमंत्री तो भाजपा के ही बनने चाहिए थे। विपक्ष ये भी कह रहा था कि नीतीश कुमार का बिहार में फिलहाल चल नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहने के मुख्यमंत्री रह गए हैं। लेकिन आज जब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने 6 जेडीयू के विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में सम्मिलित करा लिया, तब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी चुप्पी साधे रखे। लेकिन नीतीश कुमार ने कई बड़ी बातें कही है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि आखिरकार कैसे बीजेपी ने गठबंधन धर्म तोड़ा, क्यों और आगे इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई गई है, इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। देखिए, नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने भी कहा है कि दबाव बनाया गया। जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर रही, और ऐसे में कहा यह भी जा सकता है कि वाकई नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन जब गठबंधन धर्म की बातें हो, तब एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी थी। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन मुझ पर दबाव डाला गया तब मैंने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। कोई भी बने मुख्यमंत्री, किसी को भी बना दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तनिक भी इच्छा नहीं इस पद में। नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है, मुझ पर दबाव डाला गया तब मैंने पदभार ग्रहण किया। सीएम नीतीश कुमार का यह बयान कहीं ना कहीं आज एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जिस गठबंधन धर्म की बातें आज जनता दल यूनाइटेड कर रही है, उसी गठबंधन धर्म को निभा रही थी, और दबाव नीतीश कुमार पर आखिरकार किन वजहों को लेकर बनाया गया। नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए ने चुनाव लड़ी थी। लेकिन जो बातें आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान हुई है, नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन पर दबाव बनाया गया तब उन्होंने पदभार ग्रहण किया। वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, उनकी तनिक भी इच्छा नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की। देखिए, जब पार्टी में विधायकों की संख्या कम हो और गठबंधन धर्म में को आप पालन कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है कि आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन जब गठबंधन धर्म ने निभाने की चर्चा हो, जब गठबंधन धर्म की बात हो, तब तो बातें पहले ही बनी थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे में ये बातें आज नीतीश कुमार ने खुद ही कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, बल्कि उन्हें दबाव में बनाया गया। एक बड़ा सवाल कि विपक्ष जिस तरीके से कह रहा था कि नीतीश कुमार जी आप कैसे मुख्यमंत्री बन गए, क्या नीतीश कुमार ने विपक्ष के उन सवालों का जवाब दिया है? आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे, लगातार यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।